नमस्कार, न्यूज सुपर भारत में आप सभी का स्वागत है। आइए अब डालते हैं हिमाचल प्रदेश की तमाम खास खबरों पर एक नजर। आईटीआई पास युवाओं के लिए भी अग्निवीर बनने का अवसर है। जी हाँ, क्या है पूरी खबर, पूरी जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। हिमाचल वक्फ बोर्ड में भरे जाएंगे पद। जी हाँ, कितने पद भरे जाएंगे और कौन से पद भरे जाएंगे, इसके बारे में पूरी जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। पुलिस भर्ती की परीक्षा कल। जी हाँ, कौन से अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड जारी हुए और कौन से अभ्यर्थी को एडमिट कार्ड जारी नहीं हुए हैं, पूरी जानकारी आपको ये भी दी जाएगी। तो ये है आज की कुछ खास खबरें। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आप सभी हमारी खबरों को शेयर करें और एनएसबी न्यूज को साथ भेजें ताकि हमें आपका सहयोग मिल सके और हम इसी उत्साह के साथ आपको हर खबर से रूबरू करवाते रहें। हिमाचल प्रदेश में 9वीं से 12वीं कक्षा वाले 218 सरकारी स्कूलों में आईसीटी यानी कि कंप्यूटर लैब बनाए जाएंगे। 1360 दिव्यांग बच्चों को टैबलेट दिए जाएंगे। प्रदेश के 741 और स्कूलों में प्री प्राइमरी की कक्षाएं शुरू की जाएंगी। पहले से 5वीं कक्षा के 2.75 लाख बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचिंग लर्निंग मटेरियल तैयार किया जाएगा। केंद्र सरकार ने प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की बैठक में प्रदेश के अधिकारियों की ओर से रखे गए विभिन्न प्रस्तावों को मंजूर करते हुए 943 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया है। समग्र शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना कार्यालय के माध्यम से इस बजट को खर्च किया जाएगा। सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ के जवान प्रीतम सिप्पी ने अपने दल समेत ब्लैक पीक पर तिरंगा फहराया है और नया कीर्तिमान स्थापित किया है। उपलब्धि हासिल कर उन्होंने न केवल सीमा सुरक्षा बल बल्कि कांगड़ा जिला का नाम भी रोशन किया है। ये वर्ष 2000 से बीएसएफ में सेवाएं दे रहे हैं। प्रीतम चंद का जन्म 10 जनवरी 1981 को बैजनाथ तहसील के अमरपुर गांव में हुआ था। प्रीतम अभी तक भारत और नेपाल की कई चोटियों को फतेह कर चुके हैं। प्रीतम सिप्पी बीएसएफ में सेवारत रहते हुए वर्ष 2018 में माउंट एवरेस्ट चोटी पर तिरंगा फहराकर चर्चा में आए थे। अग्निपथ योजना में आईटीआई पास के युवाओं को भी अग्निवीर बनने का सुनहरा अवसर है। अग्निवीर तकनीक के लिए सेना ने शैक्षणिक योग्यता जमा 2 और अग्निवीर ट्रेडमैन के पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता 10वीं और 8वीं पास रखी है। अग्निवीर तकनीकी पद के लिए आईटीआई कोर्स और डिप्लोमा धारकों को प्राथमिकता दी जाएगी। भर्ती के दौरान उन्हें बोनस अंक दिए जाएंगे। सेना ने मंडी, कुल्लू और लाहौल स्पीति के युवाओं के लिए भर्ती का शेड्यूल जारी करने के बाद चंबा और कांगड़ा के लिए भी तिथियां तय कर दी है। तकनीकी श्रेणी में सूबे के आईटीआई पास युवाओं को भी सेना में जाने का अवसर मिलेगा। इसके लिए आईटीआई पास युवा भी आवेदन कर सकते हैं। कांगड़ा और चंबा के युवाओं की भर्ती के लिए ऑनलाइन पंजीकरण 5 जुलाई से शुरू होगा। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर ने पोस्ट कोड 817 के तहत जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी के तहत खाली पदों को भरने के लिए आयोजित स्किल टेस्ट का परिणाम जो है वो घोषित कर दिया है। मूल्यांकन परीक्षा 1 से 31 अगस्त तक आयोग के कार्यालय में होगी। आयोग ने वर्ष 2020 और 2021 में प्रदेश के विभिन्न विभागों में जीओए के 1867 पदों को भरने के लिए आवेदन मांगे थे। इसके बाद 21 मार्च 2021 को लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया था। हिमाचल वक्फ बोर्ड में विभिन्न 33 पदों को भरा जाएगा। राज्य के राजस्व विभाग के प्रधान सचिव ओंकार शर्मा की जारी अधिसूचना शुक्रवार को राज्य के राजपत्र में प्रकाशित की गई। राज्य के राजस्व विभाग के प्रधान सचिव ओंकार शर्मा ने कहा कि बोर्ड में विभिन्न पदों को भरने के लिए अधिसूचना जारी की है। बोर्ड को राज्य सरकार से परामर्श के बाद पदों को भरने का अधिकार रहेगा। स्वीकृत पदों को आउटसोर्स आधार पर भरा जाएगा। प्रशासनिक अधिकारी, अनुभाग अधिकारी, संपदा अधिकारी, लेखाकार, वरिष्ठ सहायक, कनिष्ठ सहायक, राजस्व अधिकारी और आईटी प्रबंधक, विधि सहायक, लिपिक, चपरासी और सफाई कर्मचारियों के पद भरे जाने हैं। उत्तर भारत की प्रसिद्ध मणिमहेश यात्रा 19 अगस्त से शुरू होगी। ये 2 सितंबर तक चलेगी। मणिमहेश यात्रा में इस बार पहली बार श्रद्धालुओं का पंजीकरण होगा। इसके लिए 20 रुपए शुल्क देना होगा। हर साल देश और विदेश से करीब 3 लाख श्रद्धालु यात्रा करने के लिए आते हैं। यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाने के साथ साथ विभिन्न व्यवस्था के लिए शुक्रवार को उपायुक्त डीसी राणा की अध्यक्षता में बैठक हुई। उपायुक्त ने कहा कि कोरोना काल के बाद इस साल मणिमहेश यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या अधिक हो सकती है। सभी विभागों को तय समय में पुख्ता व्यवस्था करनी होगी। राज्य सरकार ने 1000 करोड़ लोन लेने के लिए आरबीआई के माध्यम से बिड करने का फैसला लिया है। ये लोन 600 और 400 करोड़ की 2 किश्तों में मिलेगा। राज्य के वित्त विभाग की लोन लेने के लिए ये तीसरी कोशिश है। इससे पहले 2 बार टेंडर करने के बावजूद लोन लेने का आइडिया ड्रॉप किया गया था, लेकिन क्योंकि ओपन मार्केट में ब्याज दरें ज्यादा थी। राज्य सरकार ने पिछले वित्त वर्ष में भी करीब 5000 करोड़ की लोन लिमिट सरेंडर की है और इस साल भी अभी तक लोन के मामले में काफी नियंत्रण इस्तेमाल किया है। हालांकि इस बार ब्याज दर महंगी होने के बावजूद राज्य सरकार के पास लोन न लेने का विकल्प शायद नहीं है, लेकिन ये राशि खाते में आने के बाद भी सरकारी कर्मचारियों को पे कमीशन का एरियर नहीं दिया जा सकेगा।
पुलिस विभाग ने भर्ती परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। प्रदेश भर के तय केंद्रों पर ये परीक्षा रविवार को आयोजित की जाएगी। पुलिस भर्ती के लिए नई कमेटी का गठन किया गया है। पुलिस भर्ती बोर्ड के चेयरमैन अभिषेक त्रिवेदी की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है। इस कमेटी में 7 अधिकारी शामिल हैं। आईपीएस डीके यादव, संतोष पटियाला और विनय गुप्ता को ऑब्जर्वर, जबकि पीडी प्रसाद, मधुसूदन शर्मा और सुमेधा द्विवेदी सदस्य के रूप में इस टीम में शामिल रहेंगे। डीजीपी संजय कुंडू ने बताया कि प्रदेश भर में 74,000 आवेदकों को एडमिट कार्ड भेजे गए हैं। यदि किसी आवेदक के पास एडमिट कार्ड न पहुंचा हो तो वह भर्ती अधिकारी से संपर्क कर सकता है। सरकार के आबकारी एवं कराधान विभाग का मावकूद बनकर सामने आया है। विभाग ने जून महीने में 372 करोड़ रुपए जीएसटी संग्रह में जुटाए हैं, जो पिछले साल के मुकाबले 58% अधिक है। विभाग को करदाताओं ने मुनाफे की दहलीज पर ला दिया है। इतना ही नहीं, बीते 3 महीनों में जीएसटी संग्रह में पिछले साल के मुकाबले 67% का जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। अकेले जून महीने में ही पिछले साल के मुकाबले 137 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। विभाग ने जून में 372 करोड़ रुपए का संग्रह किया, जबकि पिछले साल इस अवधि के दौरान विभाग ने 235 करोड़ रुपए का जीएसटी संग्रह किया था। ये बढ़ोतरी 58% है। राज्य खेल छात्रावास बिलासपुर के 3 होनहार एथलीट कनाडा में होने वाले स्टूडेंट्स गेम्स में अपनी प्रतिभा दिखाएंगे। मंडी में हुई नेशनल स्टूडेंट्स गेम्स में इन होनहारों ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। नेशनल स्टूडेंट गेम्स में राज्य खेल छात्रावास के खिलाड़ी मोहित ठाकुर, आर्यन ठाकुर, कनीश चौहान ने अपने अपने इवेंट में मेडल विजेता बने। जानकारी के अनुसार बिलासपुर के अमरपुर कस्बे के मोहित ठाकुर ने सीनियर वर्ग में मंडी में हुए स्टूडेंट नेशनल गेम्स में गोल्ड मेडल जीता। उन्होंने 1500 मीटर दौड़ में गोल्ड मेडल जीता। अंडर 17 वर्ग में आर्यन ठाकुर कांगड़ा ने 800 मीटर 1500 मीटर इवेंट में गोल्ड और अंडर 19 वर्ग में कनीश चौहान शिमला ने 200 मीटर 400 मीटर वर्ग में गोल्ड मेडल जीते। अब ये होनहार कनाडा में होने वाले इंटरनेशनल स्पोर्ट्स मीट में प्रतिभा दिखाएंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही, और बड़ी खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ सुपर भारत के साथ।